हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सर्वजीत, पीएम किसान 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। भाइयों, आज हम लोग चकियाँ एजेंसी पर आए हुए हैं, जॉन डियर पे। यहां पे हमें मिला है 5105। आज हम लोग इस ट्रैक्टर की रिव्यू करेंगे भाइयों। और ट्रैक्टर भाइयों फ्रंट से आप लोग कुछ ऐसा दिखेगा और राइट साइड से कुछ इस साइड ऐसा दिखेगा। लेफ्ट साइड से ट्रैक्टर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब फ्रंट साइड की हम लोग बात करते हैं भाइयों। ट्रैक्टर के फ्रंट साइड में आपको दो हैलोजन बल्ब देखने को मिलेंगे। अब बीच में जॉन डियर का लोगो देखने को मिलेगा, जो कि ट्रैक्टर को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। उसके नीचे एयर के लिए जाली दिया हुआ है भाइयों, ब्लैक जाली दिया हुआ है। और आपको फ्रंट में ही आपको लॉक मिलता है, जिससे कि अब बैटरी वैटरी सारा कुछ सेफ रहे। अब इंजन की बात करते हैं भाइयों। ट्रैक्टर में आपको आगे बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 88 HK एक साइड की बैटरी देता है जॉन डियर। और ट्रैक्टर में आपको ड्राई एयर क्लीनर चोक सेंसर के साथ मिलता है, जो कि फिल्टर चोक होने पर डैशबोर्ड में इंगित करता है। ट्रैक्टर आपको वाटर कूल्ड देखने को मिलेगा और काफ़ी हैवी ड्यूटी इसका रेडी वाटर दिया हुआ है भाइयों, काफ़ी बड़ा रेडी वाटर दिया हुआ ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर को काफ़ी ठंडा रखता है। ट्रैक्टर के इंजन HP की बात करें तो 40 HP का इंजन है। इंजन की मॉडल की बात करें तो भाइयों 3029D है इंजन मॉडल। और ट्रैक्टर के लेंथ लंबाई की बात करें भाइयों तो 3410 mm की इसकी लंबाई है। ट्रैक्टर की व्हील बेस की बात करें तो 1970 mm का इसका व्हील बेस है। और ट्रैक्टर के कुल वजन की बात करें तो 1810 kg का पूरा ट्रैक्टर है भाइयों। भैया ट्रैक्टर के राइट साइड में हम लोग बात करते हैं, आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ट्रैक्टर में आपको 34 एम्पियर का एक अल्टीमीटर देखने को मिलता है। उसी के नीचे आपको दो सेपरेट पंप देखने को मिलते हैं। उसी के बगल में आपको 12 बोल्ट और 2 किलोवाट का एक सेल्फ देखने को मिलता है, जो कि ट्रैक्टर को काफ़ी आसानी से स्टार्ट कर देता है भाइयों। ट्रैक्टर के ऊपर आपको एक साइड मिरर देखने को मिल जाएगा हैंडल के पास। भाइयों ट्रैक्टर की ब्रेक की बात करें तो आयल इमर्शन डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है आपको ट्रैक्टर में। ब्रेक के पास ही आपको पैर की रेस देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छे से फिट किया हुआ है कंपनी ने। ट्रैक्टर की बोनट की बात करें तो आपको एक हैंडल मिलता है पकड़ के चढ़ने के लिए ट्रैक्टर पे, और उसी के बगल में आपको इंडिकेटर लाइट देखने को मिलते हैं। और बोनट में ही आपको बताया जाता है कि इसमें कितने गियर दिए हुए हैं। साइड में 1, 2, 3, 4 और न्यूट्रल दिया हुआ है। और बोनट के ऊपर आपको ग्रिल मिल जाती है। ट्रैक्टर एक्सल की बात करें तो काफ़ी हैवी ड्यूटी नॉन एडजस्टेबल एक्सल के साथ आता है भाई वो ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग में है, ये सादे स्टीयरिंग में नहीं आता, केवल पावर स्टीयरिंग में ट्रैक्टर आता है। ट्रैक्टर की आप लेफ्ट साइड में हम बात करेंगे भाइयों तो ट्रैक्टर के बोनट पे आपको 5105 का लोगो और जॉन डियर का लोगो मिलेगा, जो कि ट्रैक्टर को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। अलग से कूलेंट बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि अपने आप कम या ज़्यादा होने पर एडजस्ट कर लेता है, आपको बार बार देखना नहीं पड़ता। और ट्रैक्टर 3 सिलेंडर में है, बॉक्स के इनलाइन पंप के साथ है ट्रैक्टर आपको मिलेगा। और पंप के नीचे ही आपको 2 डीजल ऑयल फिल्टर देखने को मिलते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको वाटर सेपरेटर देखने को नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर में आपको दोनों साइड हीट गार्ड देखने को मिलेगा भाइयों। ट्रैक्टर सिंगल क्लच और डुअल क्लच दोनों में आता है, ये ट्रैक्टर डुअल क्लच में है। और ट्रैक्टर के लेफ्ट बोनट की बात करें तो आपको सेम सारा कुछ वैसा ही मिलता है। और ट्रैक्टर के हम लोग पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। लेफ्ट बोनट में आपको एक हैवी ड्यूटी लोहे बॉडी में आपको एक टूल बॉक्स देखने को मिलता है। और पीछे के साइड आपको इंडिकेटर लाइट देखने को मिलती है। राइट साइड बोनट पे आपको एक हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है, जो कि नाइट विजन में काफ़ी अच्छा प्रकाश देता है। उसी के बगल में आपको एक इंडिकेटर लाइट और नीचे ही नंबर प्लेट के लिए पहले से ही कंपनी ने दे दिया है, और उस पर एक छोटी सी लाइट लगाई हुई है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ट्रैक्टर के डीजल टैंक की बात करें तो भाइयों इसका डीजल टैंक 60 लीटर का है। डीजल टैंक पर ही आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। उसी के नीचे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है, जो कि रात में चलाने के लिए तो प्रकाश के लिए ये देता है भाइयों। उसी के बगल में आपको एक टपलिक होल्डर मिल जाता है। सेंसरिंग के लिए आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, इंप्लीमेंट के अनुसार जिस पॉइंट में चाहे उस पॉइंट में जोड़ के चला सकते हैं। किसान भाइयों के लिफ्टिंग के लिए कंपनी फिटेड एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वाल देखने को मिलता है। ट्रैक्टर के लिफ्ट को काफ़ी हैवी बनाया हुआ है। और इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 1600 kg का इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है।
एडजस्टेबल हीच दिया हुआ है भाई ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर के PTO SP की बात करें तो 2100 RPM पर 34 HP का PTO निकालता है ट्रैक्टर। डुअल PTO में आता है। इसके रियर एक्सल की बात करें तो काफ़ी हैवी ड्यूटी एक्सल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग ट्रैक्टर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है ट्रैक्टर के ऊपर। ट्रैक्टर में फुट स्पेस काफ़ी हैवी दिया हुआ है भाइयों, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और ट्रैक्टर के सीट की बात करें तो एडजस्टेबल सीट के दिया हुआ है, छोटे या बड़े किसान आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको कोई चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रैक्टर भाइयों, ट्रैक्टर ऊपर से आप लोग कुछ ऐसा दिखेगा। और ट्रैक्टर की स्टेयरिंग काफ़ी छोटा दिया हुआ है भाइयों, स्टेयरिंग के बगल में ही आपको हैंड रेस्ट देखने को मिलता है। और राइट साइड में आपको 1, 2, 3, 4 और न्यूट्रल, उसी के बगल में DCPC लीवर। और इसमें आपको डिफरेंशियल लॉक भी देखने को मिलता है भाइयों ट्रैक्टर में। और लेफ्ट साइड में आपको ABC यानी हाई लो और रिवर्स 3 लीवर देखने को मिलते हैं। इधर आपको PTO का लीवर देखने को मिलता है। इसमें इंडिपेंडेंट क्लच नहीं देखने को मिलता है, ये डुअल क्लच है ट्रैक्टर, इंडिपेंडेंट क्लच इसमें नहीं है। भाई हम लोग अब ट्रैक्टर की आवाज़ सुनेंगे, देखिए क्या शानदार आवाज़ है, ये क्या शानदार आवाज़ है। हम लोग पावर स्टेयरिंग देखते हैं भाइयों। देखिए मैं एक हाथ से काट रहा हूँ, काफ़ी स्मूथ काटता है पावर स्टेयरिंग, आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर में भाइयों आपको चार्जर के लिए यहाँ पे पिन दिया हुआ है और नीचे मोबाइल रखने के लिए होल्डर दिया हुआ है बॉक्स, आप यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं। भाइयों ट्रैक्टर की आवाज़ आप लोग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भाइयों ट्रैक्टर की प्राइस की बात करें तो 6.5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में पड़ेगा आपको ट्रैक्टर। और एक्चुअल प्राइस के लिए भाइयों आपको एजेंसी पर संपर्क करना पड़ेगा, मैं भैया जी का नंबर दे दूँगा, आप लोग इनसे संपर्क कर लीजिएगा। जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, एक्चुअल प्राइस के लिए आप लोग को एजेंसी पर संपर्क करना पड़ेगा। भैया वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।